जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो पर। यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का आपका भौतिक विज्ञान, आपका 11th का आपका रियल पेपर फिजिक्स का 100% रियल है। आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा 100% आपका रियल पेपर है। आपको यहाँ पे 70 नंबर के क्वेश्चन है और यहाँ आप निर्देश पढ़ सकते हैं। पूरा आपका सिलेबस से प्रिंट से मेल खा रहा है और आपका ये क्वेश्चन आपका रियल है। यहाँ पे आपका 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं आपके हर एक क्वेश्चन यहां पे पूरा क्लियर दिख रहा है। 16 क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके इस प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 19 क्वेश्चन हैं, लेकिन यहां पर आपको मात्र 16 ही आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर देखते हैं और वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं। देखिए आपका पहला सही विकल्प यहां पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। राइट आंसर आपको यहां पर कूलाम लगा देना है। क्या लगाना है बच्चों? कूलाम आपका 100% होगा। एम्पियर आपका यहां पर होता है, ठीक है। एम्पियर आपका धारा का होता है, मीटर आपका यहाँ पे लंबाई का होता है, और द्रव्यमान का आपका मोल होता है, लेकिन कूलाम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है, संख्या 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। ये बच्चों आपको मैं बता दूं, सार्थक अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है 0.01300। आप इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आपका जो आपको देखिए ये अंक है आपका, ठीक है, इसके पहले जितने भी जीरो हो उनको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जीरो है तो ये कैंसिल हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4। बिल्कुल सही, आपका यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप जो है यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन गलत है, मैं अपना जो है यहाँ पर आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण क्या होना चाहिए। आपका राइट आंसर है 45 हो जाएगा। आप इसे निकाल कर भी सिद्ध कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, प्रत्यास संगठन में संरक्षित रहता है, क्या रहता है। तो 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधा व्हाट्सएप पर। बस आपको अपने फोन में डाउट नोट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, वो सवाल के आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों आपका यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है, साथ में संवेग भी संरक्षित रहता है। आपको प्रत्यास संघट यदि आप क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम लोग जो है बहुत टॉपर रह चुके हैं, तो हर चीज़ हमें क्लियर आता है, क्या आपको पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका A&B आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए। देखिए अभी आपको सब लोग आपको क्या पेपर प्रोवाइड करा रहे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक दृढ़ पिंड की आंतरिक संतुलन में होने वाले के लिए क्या होगा। आपका यहाँ दोनों होना चाहिए बच्चों। देखो आपका नेट वाह बल भी आपका शून्य होता है, बिल्कुल 100% क्लियर है, और यहाँ पे नेट वाह बल आघूर्ण भी आपका शून्य होता है, तभी तो आपको क्या होगा यहाँ पे A&V आपका दोनों आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा पर कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत होगी। तो बच्चों आपका इसका 100% करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं, आपका यहां पे कोणीय संवेग होगा, ठीक है। बाकी आपका सब यहां पे बदलता है, कोणीय चाल, रेखीय चाल और स्थितित ऊर्जा भी यहां पे इसका मान आपका चेंज होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका लास्ट क्वेश्चन 7वां, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है। बच्चों आपको बता दूं यहां पे 100% आपको यहां पे एक्यूरेसी के साथ कि आपको यहां पे हमेशा पदार्थ का गलांक दाब बढ़ाने पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो बच्चों आपको बता दूं यहाँ पे जैसे आप मान निकालेंगे, आपको 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, जब आप करेंगे तो आपको 3 बार गुणा होगा, तो आपका माइनस कितना बार होगा, -6 बार यहाँ पे आपका मीटर में आपका क्यूब यहाँ पे आंसर ही आएगा। 100% क्लियर आपका यही आंसर आएगा, इसके अलावा एक भी आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप फटाफट पढ़ लो और यहाँ
यहाँ पे आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे सही जोड़ी दिया गया है। तो हर एक क्वेश्चन को आंसर में जो है अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखो, मैं अभी बता सकता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा नहीं आएगा यहाँ पर पढ़ाने में आपको पेपर में, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे मजा कब आता है आपने देखा होगा, मैं कॉपी पर लिख कर बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन सब बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तब जाके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर एक क्वेश्चन को, बस आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे पांचवें भूमि विश्लेषण के बारे में दिया गया है, सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आठवें यहाँ पे कार का प्रमेय, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा और कोणीय संवेग, और यहाँ पे सदिशों के सदिश गुणा, एक एक क्वेश्चन का इतना अच्छे तरीके से आपको दूंगा कि आप सीधे टॉप करोगे, ठीक है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, जब तक जीत क्लासेज इंडिया है आपका हमेशा साथ देता रहेगा, और इसी प्रकार से आपका वार्षिक में भी आपको गर्दा उड़वा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 70 में 70 क्या आप 100 में भी 100 लेकर आओगे यदि आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 15वां 16वां और इसके बाद आपका यहाँ पे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आए तभी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर ये वीडियो आपको तक पहुँचाते हैं सबसे पहले और सबसे फास्ट।